हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो को मैं किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज़ करूँगा, बिकॉज इफ़ यू गाइस आर टू माय चैनल तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो तीन डिफरेंट कैटेगरीज़ में या तीन डिफरेंट क्लासेज़ में मैं उनको कैटेगराइज़ कर रहा हूँ। नंबर वन, ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी, जिसमें मैं सारी गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि किस तरह आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर हासिल कर सकते हैं। नंबर टू, स्टूडेंट वीज़ा गाइडलाइंस, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं किस तरह वीज़ा अप्लाई करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, फिर यहाँ पे आने के बाद कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने चाहिए, किस तरह जॉब ढूंढने चाहिए और क्या जॉब्स का पे रेट्स है। नंबर थ्री, लाइफ इन मेलबर्न, जो बेसिकली वी लॉग्स हैं यहाँ की नॉर्मल रूटीन या यहाँ की कैजुअल लाइफ के बारे में आपको, जिसमें मैं गाइड कर रहा हूँ। सो आज की जो वीडियो है बेसिकली उसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को अगेंस्ट यूके एंड कनाडा, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये भी लोग पूछते रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, यूके आना चाहिए या कनाडा। जब मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया तो पूछते हैं कि क्यों, व्हाई नॉट यूके, व्हाई नॉट कनाडा। सो इस वीडियो को थोड़ा लाइटर नोट पे करने का पर्पज़ ये है कि मैं किसी का जो अगर माइंड बन चुका है कि ही वॉन्ट्स टू गो टू कनाडा और यूके, मैं कभी हरगिज़ उसका ब्रेन वॉश नहीं करना चाह रहा या मैं हरगिज़ उसका ब्रेन वॉश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा यही होता है कि जो भी आपके हक में बेहतर हो वही हो, जो आप लोगों को बेहतर लगता है वही आप लोगों के लिए हो, जिसके लिए आप एफर्ट पुट करें और जो आप लोगों के नसीब में लिखा होगा इंशाल्लाह वही होगा। सो दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो दे लूज़ द होप्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शुक्र करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमारा वीज़ा इस स्पेसिफिक कंट्री से रिजेक्ट हुआ तो इसमें कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरी है। सो कीप इट दैट वे, अपनी तरफ से आप 100% कोशिश करें, अपनी तरफ से आप 100% एफर्ट्स पुट करें, बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर होगा। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूँ ऑस्ट्रेलिया को विद यूके एंड कनाडा, और एट द एंड जाके मैं थोड़ा बहुत यूरोप से भी इसका कंपेरिजन करूँगा। ऑल्दो यूरोप इस कैटेगरी में नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता कि बिकॉज ही यूरोप इज़ नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग रीजन, ठीक हो गया। बाकी ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा तीनों के जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है। सो स्टार्टिंग विद द यूके, जो प्रोज एंड कॉन्स यूके के हैं, नंबर वन ये कि यूके में भी इंग्लिश बोली जाती है और ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश बोली जाती है। नंबर टू, यूके का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पीआर की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत हार्ड है। वहाँ पे पीआर लेना आप कह लें कि सबसे नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि 8 से 10 साल की लिविंग रिक्वायरमेंट है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में पीआर के जो पाथवेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप इजीली पीआर सिक्योर कर सकते हैं अगर आपको उस सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर यूके का ये था कि पहले वर्क वीज़ा नहीं मिलता था, ऑल दो दे हैव स्टार्टेड टू गिव वर्क वीज़ाज नाउ, लेकिन कब तक रहेगा और कितना टाइम इसको वो मेंटेन करेंगे किसी को नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया में जो वर्क वीज़ा है वो मिल जाता है, जो आप कह लें कि जो मास्टर्स है जो ऑस्ट्रेलिया में, दैट वेरीज फ्रॉम 1 to 2 years, सेम इन केस ऑफ आप कह लें यूके में भी है। यूके में भी जो है वो 1 से 2 साल का आपका जो है वो मास्टर्स होता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको वर्क वीज़ा लेना है यू हैव टू गेट एडमिशन इन अ मास्टर्स जो एटलीस्ट 2 साल का हो, या इवन अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं सो द स्टडी पीरियड है वो एटलीस्ट 2 साल से ऊपर होना चाहिए। फिर अगर आप यूके की बात करें तो यूके में जो लिविंग है दैट इज़ एक्सपेंसिव। यूके की जो लिविंग है अगर उसको हम कंपेयर करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो यूके की लिविंग जो है वो एक्सपेंसिव है। उसके अलावा यूके में जॉब्स नहीं है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो मेरे दोस्त वगैरह वहाँ पर थे उनसे मैंने पूछा है, वहाँ पर जॉब्स नहीं है। लेकिन अगर जॉब्स हैं तो उनके पे रेट्स उस तरह अच्छे नहीं हैं, जो रफली रेट है वो 7 से 8 pounds है, हो सकता है ज़्यादा हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको मिलता भी हो, लेकिन जो मुझे रफली आप कह लेंगे स्टूडेंट की एवरेज कॉस्ट आई है वो 7 से 8 pounds एन आवर आई है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप करें 1 साल फीस की बात तो वो स्टार्ट करती है 7 से 8 हज़ार pounds से एंड वो जाती है 14 से 15 हज़ार pounds। तो अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो आपकी जो 1 साल की फ़ीस है दैट वेरीज समवेयर फ्रॉम 25 lakhs से लेके 42 lakhs तक, ठीक हो गया। बाकी डेफिनेटली जो पाउंड के कन्वर्जन है फॉर इंडियन व्यूअर्स वो अपने आप को इस करेंसी को उसमें कन्वर्ट करके अपनी एक रफली एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल सकती हैं। उसके अलावा जो फूड की बात करें, स्पेशली फॉर जो लोग हैं फ्रॉम श्रीलंका, इंडिया या पाकिस्तान, और वो लोग जो आप कह लें वेजिटेरियन हैं या वो लोग जो टारगेट करते हैं हलाल फूड, तो ये जो हलाल फूड है डेफिनेटली यूके में आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो टैक्स ब्रैकेट है या जो टैक्स है वो यूके में ज़्यादा है, ठीक हो गया। फिर अगर आप यूके की बात करें तो जो वेदर एक्सट्रीम है वो, जो उसके विंटर्स हैं वो टफ़ और हार्ड हैं। एंड देन जो एक अच्छा पॉइंट है या प्लस पॉइंट है यूके का, वो अगर मैं बात करूँ तो जो सम ऑफ़ द रिनॉन यूनिवर्सिटी अराउंड द ग्लोब लाइक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, वो यूके में, अगर आप उनमें पढ़ना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली यू हैव टू गो टू यूके इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। फिर वो लोग जो बिज़नेस स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए जो एक वन ऑफ द आप कह लेंगे फेमस स्कूल है पूरी दुनिया में, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और वो यूके में है। बाकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर इफ़ आई कंपेयर दैट विद ऑस्ट्रेलिया, तो वो ये कि यूके की आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है और इट विल टेक यू अराउंड समवेयर फ्रॉम 7 से 9 घंटे, और आप उस 7 से 9 घंटे में
स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, आप 7 से 9 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आप यूके पहुंच सकते हैं। एंड देन मूविंग ऑन टू कनाडा, अब हम कनाडा की तरफ चलते हैं। कनाडा का जो सबसे बड़ा आप कह लें ड्रॉबैक या फ्लॉ है वो ये कि कनाडा का जो टेम्परेचर है वो बहुत एक्सट्रीम है। जो वहाँ की जो समर, ये जो समर्स हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं चलती, लेकिन जो विंटर्स हैं दैट आर वेरी एक्सट्रीम। जो स्नोफॉल है वो बहुत कॉमन है, और वो जो रफली एस्टिमेशन है वो ये है कि 3 से 4 महीने जो है पूरे पूरे शहर जो है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज की जो नॉर्थ रीजन में है वहाँ पर जो लैंग्वेज है दैट इज़ क्लोजर टू फ्रेंच, सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज है। बाकी जहाँ पे ये लोगों को पीआर्स दे रहे हैं, ये लोगों को प्रेफर कर रहे हैं, सो वो दैट इज़ इन द नॉर्थ रीजन जहाँ पे लैंग्वेज फ्रेंच है। सो अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी सो वही सेम मॉडल आपको फेस करनी पड़ेगी जो आपको यूरोप में फेस करनी पड़ती है। देन पीआर की अगर बात करें तो पीआर की पॉलिसीज बिल्कुल आसान है, लेकिन ये शो शॉर्ट नहीं होता कि कनाडा हर साल राउंड चलाएगा या नहीं चलाएगा। वो जो इनका पॉइंट सिस्टम है उसके ऊपर सबको इन्वाइट भेजेगा या नहीं भेजेगा, लेकिन जिन एरियाज में भी ऑफर कर रहे हैं वो एरियाज सारे नॉर्थ रीजन में है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की फीस है दैट वेरीज फ्रॉम $8,000 टू $13,000 Canadian ठीक हो गया। बाकी अगर हम जॉब्स की बात करें तो जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन वही बात है कि अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम होगा सो यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू दैट जॉब्स, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होती है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो अच्छे से बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशन है सर्दियों में। बाकी अगर हम बात करें वीज़ा रेशो की, तो जब मैं बैक इन 2019 अप्लाई करा था तो मेरे साथ जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल कॉमन था। ये एक इशू है कनाडा का कि जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो कॉमन है एज़ पर द न्यूज़ एंड एज़ पर द रिसोर्सेज। मैंने कनाडा अप्लाई नहीं किया इसलिए डेफिनेटली मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो मेरे व्यूअर्स या वो सारे लोग जिन्होंने अप्लाई किया और जिन तक ये मेरी वीडियो पहुंच गई है तो वो डेफिनेटली बता सकते हैं कि वीज़ा का क्या स्टेटस है, कितना उनका टर्न अराउंड टाइम है, और वीज़ा कितना आसानी से मिल सकता है, या वीज़ा की क्या रेशो थी। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो आजकल इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, लेकिन उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रेशो है जो वो बहुत अच्छी है। जो लोग चाइना से हैं या जो लोग जो इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं, वो अच्छे से बता सकते हैं कि वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी वीज़ा रेशो जो है वो बहुत अच्छी है स्पेसिफिकली फॉर द लेवल वन यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद अगर हम चलेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ का टर्न अराउंड टाइम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत जल्दी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विद इन आप कह लें 2 to 3 weeks में आपको रिस्पॉन्ड कर देती हैं, लेकिन कनाडा का जो टर्न अराउंड टाइम है वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद हलाल फूड की बात करें, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था कि वो सारे लोग जो वेजन है या वो सारे लोग जो हलाल फूड टारगेट करते हैं, तो कनाडा के बारे में मैं शो शॉर्ट नहीं हूँ। जो लोग वहाँ रह रहे हैं डेफिनेटली वो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। फिर जो एक ड्रॉबैक है जो ऑस्ट्रेलिया के केस में भी आएगा वो ये आता है कि यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो कनाडा ऑपरेट नहीं करती, इवन अगर कोई फ्लाइट्स ऑपरेट कर भी रही हैं सो दैट विल इजीली टेक अराउंड 12 to 13 hours। यूके के केस में था कि आप 8-7 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन कनाडा के केस में आप 12 से 13 घंटे का मिनिमम ट्रैवल है, और अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है सो यू विल एंड अप समथिंग बिटवीन 17 से 20 घंटे का आपका ट्रैवल टाइम बन जाता है। बाकी जो एक चीज़ बहुत आप कह लें कि अच्छी है कनाडा के वालों के लिए जो या जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं, जो जो लोग स्टडी वीज़े पे कनाडा गए हैं उनके लिए पीआर का जो पाथवे होता है दैट इज़ वेरी इजी। अगर आप वहाँ पढ़ चुके हैं तो फिर आपके लिए जॉब सिक्योर करना आसान होता है, फिर जो आपने एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो ऑलरेडी वहाँ स्पेंड किया होता है, तो आपके लिए जो पीआर का पाथवे होता है वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू उसके लिए जो स्ट्रेट अवे वर्क वीज़े पे वहाँ जाना चाहता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बातें करूँ तो लोग शायद सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के ये फ़ायदे बताता है या ये शायद ऑस्ट्रेलिया की जो है मार्केटिंग कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे आया तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी डेफिनेटली, अगर आपने मेरी बाकी वीडियोज़ भी देखी होंगी तो उनमें मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं जो यहाँ की अच्छी हैं, और मैंने वो सारी चीज़ें भी हाईलाइट की हैं जो हमें यहाँ पे आके करनी और यहाँ पे आके नहीं करनी। सो लेट्स बिगिन विद ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट नंबर वन ये है कि वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है, जो रिसेंट सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली ये थर्ड टॉप डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड है फॉर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। जो जॉब्स है यहाँ पे फॉर स्टूडेंट्स जिसको हम और जॉब्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर प्रोफेशनल जॉब्स की बात करें तो पिछले एक साल में वो भी बहुत ज़्यादा थी, इनके पास बंदे कम थे जॉब ज़्यादा थी, लेकिन इस टाइम कंपटीशन दोबारा बढ़ना शुरू हो गया एज ऑफ टुडे 13 मई 2023। आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास बहुत ही ब्रॉडर रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं, आप किसी भी सिटी में जा सकते हैं, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडलेड, कैनबरा, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनकी रैंकिंग जाके देख सकते हैं। तो आपके पास जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन है या कोर्सेज़ की ऑप्शन है या रेंज ऑफ आप कह लें कि डिग्रीज़ की है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उन सब के लिए। लाइक अगर कोई कॉलेज में आना चाहता है, कोई बैचलर्स में आना चाहता है, कोई डिप्लोमा में आना चाहता है, कोई ट्रेड क्वालिफिकेशन में, कोई मास्टर्स बाय रिसर्च, कोई PhD, कोई पोस्ट डॉक के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। एंड देन अगर आप बात करें कि यहाँ के पीआर की, तो यहाँ के जो पीआर ऑप्शंस है वो मैं दूसरी सीरीज इसलिए बना रहा था कि यहाँ पे जो पीआर लेने के पाथवेज हैं
दैट इज़ तीन चार डिफरेंट पाथवेज हैं जो जेनेरिकली 189, 190, 491 और 186 हैं। तो इसमें से कुछ पॉइंट बेस हैं और कुछ एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम हैं। तो पीआर लेना उतना हार्ड एंड टफ या मुश्किल नहीं है जैसे आप कह लेंगे यूके और कनाडा के केस में है, ठीक हो गया। एंड देन मूविंग ऑन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो पॉपुलेशन इन बिग सिटीज़ मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बेन यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बाकी एज़ कम्पेयर टू कवर्ड लैंड बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी कवर्ड एरिया। तो इनका भी फोकस रह गया, तभी ये रीजनल वीज़ाज़ लोगों को दे रहे हैं, विच इज़ 491, कि लोग रीजनल में जाएँ, वहाँ पर जाके जो है वो शहर आबाद करें, इसलिए ये वहाँ पर लोगों को तीन तीन साल के पाँच साल के वीज़ाज़ ग्रांट कर रहे हैं कि लोग वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर कमाएँ, वहाँ पर जो है एक लाइफ स्टाइल मेनटेन करें। एंड देन मूविंग ऑन, अगर मैं यहाँ पर कल्चर की बात करूँ तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉस कल्चर है। इवन आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तो सेम क्लास में आपको चाइनीज़ भी मिलेंगे, आपको इंडियंस भी मिलेंगे, श्रीलंका, नेपालीज़, इंडोनेशियन, फिर आपको यूरोपियंस भी मिलेंगे, एंड देन आपको साउथ अफ्रीकन, जो अफ्रीका रीजन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ से भी लोग मिलेंगे। एंड देन मूविंग ऑन, मैं जब आया था तो मेरे साथ भी जो मेरे बैच फेलोज थे, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आइदर इंडिया, नेपाल, श्रीलंका या चाइना। तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्रॉस कल्चर होता है, तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है। एंड देन मूविंग ऑन, यहाँ पे जो आप कह लें कि अपने, अगर आपने रिलीजन नॉर्म्स और कस्टम प्रैक्टिस करने हैं तो उसके ऊपर कोई लिमिटेशन या कोई सख्ती नहीं है, यू आर फ्री टू प्रैक्टिस दैट। फिर जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये कि जब आप इतने क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट में पढ़ रहे होते हैं तो जो आपका एक्सपोजर है, जो आपकी ग्रूमिंग है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो दैट वेरीज़ फ्रॉम $6,000 to $14,000, वेरी करती है फ्रॉम सिटी टू सिटी, कोर्स टू कोर्स, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये रफली जो है वो $6,000 से लेकर $14,000 to $15,000 तक वेरी करती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की कदर है, क्योंकि बहुत सारी जो जॉब्स हैं यहाँ, बहुत सारा जो इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्टूडेंट रन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं ये बात करें कि जब कोविड आया था तो इनके प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी फॉर स्टूडेंट्स के इफ़ यू कांट अफोर्ड यू हैव टू गो बैक। तो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट डेफिनेटली मैं अपना कोई स्टांस या कोई अपना व्यू नहीं दूंगा, लेकिन उस स्टेटमेंट को बहुत सारी जो अपोजिशन है या यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो निगेट किया था या उसको अपोज किया था और कहा था कि ये वो लोग हैं जो हमारा कंट्री बेसिकली रन कर रहे हैं, सो रादर देन सपोर्टिंग देम हमने गलत किया है। तो उसमें यही है कि उसको अगर आप स्टेटमेंट को इग्नोर कर दें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ हैं, लोगों को पता है कि बहुत सारी जॉब्स हम स्टूडेंट्स यहाँ पर आके करते हैं और इनका कंट्री रन कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं चलूँ यहाँ पर जो लॉज हैं, जो ट्रैफिक लॉज हैं या फिर जो यहाँ पर आपका कॉमन पब्लिक लॉज हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आपके राइट्स टू प्रैक्टिस एवरीथिंग है, आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी है आपको यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल जाएगा, इफ़ यू आर ऑन द पीआर तो आपकी हेल्थ भी कवर है, आपकी एजुकेशन भी कवर है, तो बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हैं इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो यहाँ पे एक नुकसान है वो ये कि उसी तरह डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान से बात करूँ, इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट है, दैट टेक्स अराउंड आई थिंक सो इंडिया की जो है वो 9 से 10 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है, जो यहाँ से डायरेक्ट आपको फ्रॉम मेलबर्न टू इंडिया ले जाती है। और डेफिनेटली ये मेरी इंडिया की व्यूअरशिप है वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्नॉलेज करेगी। एंड देन मूविंग ऑन, हलाल फूड यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाता है, जो लोग वेगन हैं उनके लिए यहाँ पे फूड बहुत आसानी से अवेलेबल है। यहाँ पे हर तरह का फूड, हर कल्चर का फूड अवेलेबल है, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो जो मेंशनेबल है वो ये कि मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन की अगर आप बात करें तो ये जो सिटीज़ हैं ये थोड़े ओवरक्राउडेड हैं, तो अगर आप इसके अलावा कहीं भी जाएंगे तो आपको शायद उतना क्रॉस कल्चर एटमॉस्फेयर ना मिले। तो यही था कि इन कंट्री, इन सिटीज़ को अगर आप टारगेट करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिलेंगी, क्योंकि ये बड़े सिटीज़ हैं। बाकी जहाँ तक रही बात पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि यू हैव टू डू अ स्टडी ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो अगर आपने जैसी 2 साल की स्टडी पूरी कर ली है, सो यू आर एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसमें आप काम कर सकते हैं। और वो पहले 2 साल का ग्रांट होता था, अब इट वेरीज़ फ्रॉम 3 to 6 years डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन और डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्री। एंड देन अगर एक और बात करूँ जो अच्छी है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। जो स्कॉलरशिप है वो वेरी करती है फ्रॉम 20 to 30% डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडेमिया एंड अदर फैक्टर्स। सो डेफिनेटली जब भी आप अप्लाई करेंगे, सो लाइकली चांस है कि आपको 20 से 30% यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जो लोग मेलबर्न आना चाहते हैं, मैं बता दूँ मेलबर्न की जो सर्दी हैं वो बहुत ही सख्त किस्म की हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने सर्दी रहती है, और सर्दी जो है वो बड़ी बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की सर्दी है। तो जो लोग मेलबर्न आ रहे हैं, बी माइंडफुल यहाँ पे आने से पहले उस तरह की तैयारी करके आएँ। बाकी जो एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया की दैट इज़ अपोजिट टू द वर्ल्ड, वो यहाँ का मौसम है। जब पूरी दुनिया में सर्दी चल रही होती है तो यहाँ पे गर्मियाँ चल रही होती हैं, जब पूरी दुनिया में गर्मी चल रही होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ चल रही होती हैं।
कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को यूरोप का ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे यूरोप के यूरोप को कंपेयर करना इसलिए नहीं बनता बिकॉज कि यूरोप जो है वो इंग्लिश एक इंग्लिश स्पीकिंग रीजन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है वो यूरोप को भी टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं उसके भी कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दूँ। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो लैंग्वेज है दैट इज़ नॉट इंग्लिश, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। इवन आई हैव मेट वन ऑफ माई फ्रेंड जो रिसेंटली यूरोप का विजिट करके आया, उसने कहा कि इवन एक ही सिटीज़ में कई डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो ये एक बहुत ही मेजर हर्डल है। उसके बाद हम अगर बात करें लैंग्वेज की, तो अगर आप जाके और जॉब्स करना चाहते हैं या जॉब्स करना चाहते हैं, तो उसमें आपको जो लैंग्वेज बैरियर है दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको रोकेगा फ्रॉम गेटिंग अ गुड जॉब। ठीक हो गया। उसके बाद ये होता है कि स्टडी के बाद अगर आप जब आप मास्टर्स कर लेते हैं, इवन पढ़ाई वहाँ पे फ्री है, ये अच्छी बात है कि यूरोप में बहुत सारी जगह पे पढ़ाई जो है वो फ्री है, लेकिन जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो फिर जब आप जॉब हंट करने जाएंगे सो यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट बिकॉज ऑफ द जॉब्स। आपको मिनिमम लेवल जो सर्टिफिकेशन होती है उनकी लैंग्वेज की वो अटेन करनी पड़ती हैं टू सिक्योर गुड जॉब्स। एंड देन मूविंग ऑन, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर या बिकॉज ऑफ द कल्चर और बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स, आप हमेशा जो है वो स्टैंड अलोन फील करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी जगह पर जाएंगे और वहाँ पर उनकी अपनी लैंग्वेज बोली जा रही होगी और आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो आपको कम्युनिकेट करने में, आपको किसी से मदद लेने में या आपको कुछ चीज़ें पूछने में बहुत ज़्यादा ही जो है वो मुश्किल पेश आएगी। एंड देन मूविंग ऑन, हलाल फूड की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव नॉट बीन देयर, मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पर हलाल फूड मिलता है या नहीं मिलता। हो सकता है मिलता हो, वो जो लोग यूरोप में हैं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पर हलाल फूड का क्या स्टेटस है। जो सबसे बड़ा यूरोप का फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में हैं, यू कैन ईजिली रोम अराउंड ऑल ऑफ द यूरोप। सो आप एक वीज़े के ऊपर 25 टू 26 कंट्रीज़ आराम से इजीली घूम सकते हैं। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का जो है वो एंड होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अगली वीडियो तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।